तो कितनी गाढ़ी बनी है हमारी ये टमाटो केचप की रेसिपी, बिल्कुल लग रही है ना बाजार जैसी। तो आप भी इस प्रकार से अपने घर पे ज़रूर बनाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव और राजीव किचन इन्फो में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे टमाटो केचप की रेसिपी, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। टमाटो केचप की रेसिपी के लिए हमने लगभग 600 ग्राम के आसपास ये टमाटर लिया है, बिल्कुल लाल वाली टमाटर। ये हमने अपने खेतों का टमाटर है तो ये लिया है, तो उसे काट के इसके जो डंठल वाले भाग होते हैं ब्लैक वाले, उसे निकाल देंगे कुछ इस प्रकार से। सारे टमाटर के हम इसी प्रकार से काट के इसके डंठल वाले जो काले वाले भाग होते हैं उसे निकाल देंगे कुछ इस प्रकार से काट के, क्योंकि इसका जो एक कलर में आने के बाद इसका कलर चेंज कर देगा और ये अच्छे से पकता भी नहीं है। तो सारे टमाटर को हमने इस प्रकार से काट लिया है और उसके बाद हम एक कुकर लेंगे। कुकर में हम सारे टमाटर को डाल लेंगे और कुकर में डालने के बाद हम इसमें थोड़ी सी पानी ऐड कर लेंगे। पानी हमने लगभग आधी गिलास के आसपास ऐड किया है, पानी ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, लगभग 200 ml के आसपास पानी हमने इस्तेमाल किया है और इसे लगभग 3 से 4 सीटी मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे अच्छे से। तो ये देखिए हमारा फाइनली पकने के बाद 3 से 4 सीटी लगने के बाद देखिए टमाटर किस प्रकार से ये पका है, बिल्कुल अच्छे से पक गया है ना, छिलके बिल्कुल अलग हो गए हैं। तो इसे हम एक मिक्सी जार में लेंगे इन सारे टमाटर को और इसे हम पीस लेंगे। तो ये देखिए हमारा इस प्रकार का कुछ टेक्सचर बना है। तो अब हम एक थाली लेंगे और एक चलनी लेंगे जिससे हम आटा चालते हैं और उस चलनी में हम इस सारे मटेरियल को डाल के टमाटर के प्यूरे को हम इसे चाल लेंगे अच्छे से। आप एक चम्मच की मदद से इसे इस प्रकार से चला के इसे अच्छे तरह से छान लेंगे हम। तो ये देखिए हमारा बिल्कुल बीज और छिलका अलग हो गया है, बिल्कुल निकल गया है और इसका जो प्यूरे वो देखिए कितना बढ़िया कलर भी आया इसमें। तो अब हम एक नेक्स्ट प्रोसेस पे चलेंगे, एक फ्राई पैन लेंगे। आप चाहे तो कढ़ाई भी इसे बना सकते हैं और सारे ग्रेवी को हम इस प्रकार से इसमें डालेंगे जितने भी प्योरे तैयार किए थे हमने टमाटर के। तो इस प्रकार से डाल के हम इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाएंगे और लगातार इसे चलाते रहेंगे। चला के इसे लगभग हमें आधा के आसपास करना है ताकि इसमें जो इसका जो गाढ़ापन है बिल्कुल गाढ़ी हो। इसके जितने भी पानी है सारे को हम सुखा लेंगे अच्छे से। तो इसी प्रकार से आप लगातार चलाते रहें और इसे हम टेस्ट करेंगे कि कितनी गाढ़ी हुई। तो एक कटोरी में डाल के इसे इस प्रकार से हम करेंगे, ये देखिए। तो ये भी हमारी बहुत पतली है। तो अब हम इसमें टमाटर पकाने के बाद हम इसमें नमक और ये काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और चीनी हमने लगभग 600 ग्राम के आसपास टमाटर था तो हमने लिया है लगभग चीनी 70 से 80 ग्राम। और ये हमने विनेगर डाला है, तो विनेगर कुछ इस प्रकार से होता है, आपको बाज़ार में आसानी से मिल जाएगा, 60 से 70 रुपये का आती है बोतल। तो विनेगर डालने के बाद हम इसे फिर से मिलाते रहेंगे इसे लगातार। और काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर जो है हमने एक चम्मच दिया था वो आपको देख लेंगे, आप कलर कम ज़्यादा कर सकते हैं उसे। और चीनी और नमक की मात्रा भी आप टेस्ट करके इसे देख सकते हैं कितना कम ज़्यादा आपको डालनी है। तो ये देखिए हमारा फाइनली ये बनके तैयार है और गाढ़ी कितनी है हम इसे चेक कर लेंगे। एक कटोरी लेंगे और इसमें एक बूंद डाल के इसे आपको देखने से लग रहा होगा और इसे थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे कटोरी को। तो ये देखिए अब बिल्कुल ये गिरता नहीं है, बिल्कुल रुक गया है। तो कितनी गाढ़ी हमारी बनी ये आपको पता चल गया है, इसी प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। और देखने से भी आपको लग रहा होगा कि ये कितनी बिल्कुल बाजार जैसी सॉस की तरह है ना, टमाटो सॉस। तो अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो प्लेटिंग के लिए हमने एक कटोरी लिया है और उसमें हम इस प्रकार से डाले हैं। तो ये देखिए इसका टेक्सचर आपको बिल्कुल लग रहा होगा देख के कि बिल्कुल बाजार जैसा ये टमाटो केचप है। तो आप भी इस प्रकार से अपने घर पे इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं फ्रेंड्स और अपने फैमिली के साथ इस रेसिपी को शेयर करें। तो कैसी लगी रेसिपी फ्रेंड्स, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना।
और आप भी इस रेसिपी को अपने घर पर एक बार ज़रूर ट्राई करके हमें कमेंट करके बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तब तक के लिए धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।